जो हम कहते हैं ना देव और दानव, जो सभी धर्मों में एक कॉन्सेप्ट है, जो देवता होते हैं, जैसे मतलब देवता हर उसमें अलग अलग रिलीजन में उसको अलग अलग कह सकते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में उसी को एंजल कह देते हैं, और कुछ बुरे एंटिटीज होती है जिनको हम डीमंस कह देते हैं, दानव कह देते हैं हिंदी में। मुझे ऐसे लगा कि यार ये ना हमारे अंदर ही होती हैं दोनों ही क्वालिटीज़, और ये जो माइथोलॉजी थी, ये जो पुराण थे, जो महाभारत थी, हमें सिर्फ ये सिखाने के लिए थी कि एक देवता के क्या गुण होते हैं और एक दानव के क्या गुण होते हैं। और जब हम देवताओं के गुण अपने अंदर समाने लगते हैं, जैसे कि हम आलस नहीं करते, ठीक है, हम अपना काम समय पे करते हैं, हम हमेशा हड़बड़ी नहीं मचा के रखते, हम सच बोलते हैं, हम दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम अपने काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति वफादार, तो हमारे अंदर ये देवताओं वाले गुण आने लगते हैं, ठीक है, तो लोग भी हमें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और यदि हम उल्टी साइड चल जाते हैं, हम लेज़ी होते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, हम नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जीते हैं, तो ये दानवों वाले गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, और लोग मतलब हम अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं करते और लोग भी नहीं करते। तो मुझे मेरे को लगा कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू।